विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में विभिन्न राजनीतिक दल जुट गए हैं। एक ओर जहां संगठन को एक बार पुनः इलेक्शन मोड में लाया जा रहा है, तो वहीं इस बात पर भी चिंतन करना पार्टी के रणनीतिकारों ने शुरू कर दिया है कि चुनावी मैदान में आखिर किसे भेजा जाए जो पार्टी की जीत का परचम लहरा सके। अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो इस मामले में सर्वाधिक चिंता कांग्रेस के रणनीतिकारों के बीच देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस बीते 28 सालों से सत्ता का किला भेद नहीं पाई है। सवाल यह है कि कांग्रेस इस मरतबा किसे प्रत्याशी बनाएगी। अगर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार देखें तो चुनाव में लड़ने के लिए कई वरिष्ठ और कनिष्ठ कांग्रेसी मौजूद हैं। अमर पाटन विधायक राजेंद्र सिंह, पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर, पूर्व मंत्री सईद अहमद, जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, मनीष तिवारी, उर्मिला त्रिपाठी जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेसी हैं जो चुनावी मैदान में उतरने का दमखम रखते हैं। हालांकि इनमें से डॉक्टर राजेंद्र सिंह 1998, 99 और 2004 में लगातार 3 बार आजमाए जा चुके हैं, तो वहीं राजाराम त्रिपाठी 2019 में एक मरतबा कांग्रेस से और 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। जहां तक सुधीर सिंह तोमर का सवाल है तो 2009 में कांग्रेस उन्हें भी आजमा चुकी है, जिसमें उन्होंने सतना लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास का सबसे कम 7.52% मत हासिल किए थे। रही बात पूर्व मंत्री सईद अहमद की, तो वे सीट के जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठते। अगर कांग्रेस किसी महिला की ओर नजर दौड़ाती है तो उर्मिला त्रिपाठी भी एक विकल्प हो सकती है। बताया जा रहा है कि विधायकी हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने की सतना विधायक की इच्छा भी हिलोरे मार रही है। हालांकि उन्हें लोकसभा के लिहाज से बेदम माना जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।